हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में आप जो है देखने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CU SET, जिसे आप बोलते हैं, 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। अब ये जो आपका CU SET का क्वेश्चन पेपर आता है, इसमें दो पार्ट रहते हैं। पार्ट ए जो कंटेन करता है 25 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स, जो 25 मार्क का होता है। तो टोटल ये जो यहाँ पे हैं आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल से होते हैं। बाकी के जो 75 क्वेश्चन आते हैं वो आता है आपका आपके डोमेन से, जूलॉजी और बॉटनी से आपका आता है इसमें क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो 25 है उनको छोड़ के बाकी जो 75 हैं वो मैं आपको उनके सारे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ DNA अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। पूछ रहा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा DNA का फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि DNA जो है हमारे सेल में अडॉप्ट कर सकता है, तो दो तीन कन्फर्मेशन है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, जेड फॉर्म्स हैं ये DNA के। तो ये सब क्या हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें DNA हमारा वो रह सकता है। तो पूछा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है आपका। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, आपका ऑप्शंस था वहाँ पे DNA, DNA+, HDNA और ZDNA। तो सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेबल की बात करें, तो जैसे फॉर्म्स हैं उसके ए, बी और जेड, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो स्टेबल फॉर्म है वो आपका बी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी है ही नहीं। तो इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है वो बी है, बी डी ने यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर आप ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो आप जेड डी ने के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। RNA इज जेनेटिक मटेरियल इन, पूछा है RNA किस में जेनेटिक मटेरियल होता है। सम वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स, सम वायरसेस प्रोकैरियोट्स एंड प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, सम वायरसेस ओनली और नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, सम वायरसेस ओनली। RNA जो होता है आपको कॉमनली जो होते हैं वो वायरसेस में ही मिलते हैं। RNA आपको DNA वायरसेस भी मिलते हैं, कई सारे एग्जाम में उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। RNA वायरसेस के भी एग्जाम पल पूछे जाते हैं, जैसे आपका TMV है। तो जो RNA वायरसेस हैं, RNA ही जो है जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं आपका वायरसेस में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। अब आपको पता होगा, आप जो फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है, सनलाइट का यूज़ होता है। उससे क्या होता है, प्लांट अपना ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एक प्रोसेस है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस शुगर्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। जब आपका ग्लूकोज फॉर्म हो किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। क्वेश्चन में आपका फैट दिया है जो कि एक नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन, कह रहा है जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट्स का कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गॉल्गी अपरेटस में। तब बीटा ऑक्सीडेशन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे ये जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो होता है, वहीं ये साइटोसॉल में होता है प्रोकैरियोट्स में। तो अगर मेन फंक्शन आप अगर ऑर्गेनेल यहाँ पे दिया है तो हम जाएंगे ऑर्गेनेल के साथ में, जो कि है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस बाय फेडरिक सैंगर वॉज, क्या जो फेडरिक सैंगर थे इन्होंने किसका सबसे पहले किस प्रोटीन का सीक्वेंस किया था, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। तो जो सैंगर हैं, सैंगर सीक्वेंसिंग, आपने उनका नाम सुना होगा, सीक्वेंसिंग वगैरह अगर आपने पढ़ते हैं पढ़ा होगा बायोटेक में, तो इनको जो है नोबल प्राइज मिला था दो बार। एक बार तो इनको जो बेसिस हैं DNA में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बताने के लिए मिला था, और इनको
इनके लिए भी मिला था इंसुलिन का जो सीक्वेंस है उसका बताने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले जो है इंसुलिन, किसी भी प्रोटीन का जो सबसे पहले सीक्वेंसिंग हुआ है वो है आपका इंसुलिन, और इसका क्रेडिट जाता है आपको फ्रेडरिक सैंगर को। ठीक है, 31 पे आते हैं, सेक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय। अब कह रहा है आपको पता है जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल में, वहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं, और एक आपने अगर राइबोसोम पढ़ा होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो हम बोलते हैं उसे रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स है, ये दूसरी टाइप के प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम सेल से बाहर सेक्रेट करते हैं। कुछ प्रोटीन सेल के अंदर चाहिए होता है, तो ऐसे प्रोटीन जिनका फंक्शन सेल में ही है उनका साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम है वहाँ पे सिंथेसिस होता है। पर जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं आपके राइबोसोम्स जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं वहाँ पे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी, राइबोसोम्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जहाँ पे आपको कोबाल्ट मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, विटामिन B12। विटामिन B12 इज आल्सो रिफर्ड टू एज कोबालामिन बिकॉज इट कंटेन्स मेटल आयन विच इज कोबाल्ट। दिस मेक इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन ऑफ ऑल। ओके, 33 पे आते हैं, द टेक्निक फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA इज कॉल्ड। कह रहा है जो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं DNA का, किससे करते हैं? PCR, PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ELISA, पेज और एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे पेज, एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये दोनों अलग चीजें हैं, रेसा भी अलग चीज है। PCR का यूज करके हम DNA का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ओके, तो PCR एम्प्लीफिकेशन इज द सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA और RNA टारगेट्स यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ड्यूरिंग PCR। शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और प्राइमर्स आर एक्सटेंडेड ऑन द टारगेट टेम्पलेट यूजिंग रिपीटेड साइकिल्स ऑफ हीट डिनेचुरेशन, प्राइमर एलिनिंग एंड प्राइमर एक्सटेंशन। ये इसके प्रोसेस में आते हैं, स्टेप हैं। 34 पे आते हैं, फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब इज। खैर, अगर आपको प्रोटीन डिटेक्शन करना है तो सबसे अच्छा प्रोब क्या होगा? ये बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे प्रोबिंग की जाती है, ब्लॉटिंग होती है, कई सारे टाइप का, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो प्रोटीन का जो डिटेक्शन हम करते हैं सबसे अच्छा वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए एंटीबॉडी का, और ये आता है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, जिसको इम्यूनो ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। इज अ वाइडली यूज मेथड फॉर प्रोटीन डिटेक्शन यूजिंग एंटीबॉडी बेस्ड प्रोब्स टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट प्रोटीन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सैम्पल्स। इट इज़ अ रूटीन मेथड इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। तो ये फील्ड्स हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। 35 पे आते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाई। अब जैसे आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्रोटीन डिटेक्शन के बारे में पूछा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो प्रोटीन्स का होता है, तो प्रोटीन्स जो बनते हैं आपके सेल में उसका मॉडिफिकेशन भी होता है ट्रांसलेशन के बाद, उसे ही हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं। कह रहा है वो हम किससे डिटेक्ट करेंगे? ईस्टर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, साउदर्न ब्लॉटिंग से और नदर्न ब्लॉटिंग से। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हम जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोटीन का, ये हम करते हैं ईस्टर्न ब्लॉटिंग में। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के। वो मॉडिफिकेशन कैसे हो सकते हैं? जैसे एडिशंस ऑफ लिपिड, फास्फेट एंड ग्लाइको कंजुगेट्स। इट इज मोस्ट ऑफन यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट एपिटोप्स। अब क्योंकि आपने देखा ये ईस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आया है, और अभी आप आगे भी देखेंगे क्वेश्चन पेपर में आया है, तो आप इसका जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉटिंग कंपास है, ये आपको बताता है कौन कौन से ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं और उसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं। देखिए, जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है ये आपका, ये RNA के लिए किया जाता है, हमेशा से ध्यान रखिएगा आप। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज देयर फॉर RNA, और फिर साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है हम DNA के लिए करते हैं। ओके, अब आपका आता है एक ईस्टर्न वेस्टर्न, ये पहले छोड़िए, पहले हम ईस्टर्न पे आते हैं। जो मैंने आपको बोला ईस्टर्न जो ब्लॉटिंग है हम किसके लिए करते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ये आप याद रख लीजिए, ये क्योंकि बहुत पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में। ओके, ब्लॉटिंग के बारे में, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन का एनालिसिस करते हैं। अब इसके और भी मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न हो गए, साउथ वेस्टर्न हो गए, फार ईस्टर्न हो गया, मिडिल ईस्टर्न हो गया। ओके,
तो ऐसे ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप केवल नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न याद करना है, नॉर्दर्न आरएनए के लिए, साउदर्न डीएनए के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए और ईस्टर्न पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए, ये आप याद रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इन साइटोप्लाज्म सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट राइबोसोम इज कॉल्ड, कह रहा है जो राइबोसोम पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एकदम अलग चीज़ है। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, जब डीएनए से उसका कॉपी करके एक स्ट्रैंड का बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिप्लिकेशन तो डीएनए सिंथेसिस होना है उसका, डुप्लीकेशन रिप्लिकेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन ही है जो हम मैसेंजर आरएनए पे जाके राइबोसोम लगता है और फिर वो मैसेंजर आरएनए को एक टेम्पलेट की तरीके से यूज़ करके हम ट्रांसलेट करते हैं उसको एक पॉलीपेप्टाइड में। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 37, थर्मस एक्वेटिकस इज द सोर्स ऑफ, एक बहुत पॉपुलर बैक्टीरिया है आपका थर्मस एक्वेटिकस, वो पॉपुलर किस लिए है पूछा है, क्या सोर्स है उसका? उसे टैग पॉलीमरेज निकलता है, वेंट प्राइमेज एंजाइम निकालते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो थर्मस एक्वेटिकस है ये, इससे हम टैग पॉलीमरेज निकालते हैं। टैग पॉलीमरेज जो है ये हम यूजली पीसीआर में यूज करते हैं, ये भी एक डीएनए पॉलीमरेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर पूछा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डीनेचुरेशन पहले होता है, एनीलिंग पहले होता है, प्राइमरी एक्सटेंशन पहले होता है या नन ऑफ द अबव? तो इसका एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन होगा डीनेचुरेशन। पीसीआर में सबसे पहले डीनेचुरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप लिखे हुए हैं। पीसीआर में जनरली तीन स्टेप होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन आता है, जो जैसे डीएनए रिप्लिकेशन आप करते हैं वहाँ पे दो स्ट्रैंड होता है डीएनए डबल हेलिक्स का, वो उसको सेपरेट करना होता है। सेपरेट हम कैसे करते हैं? टेम्परेचर रेज करके, ठीक है, और उसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का वो ब्रेक हो जाता है, इसी को हम डीनेचुरेशन करते हैं कहते हैं। डीनेचुरेशन के बाद हम एलिनिंग करते हैं। पीसीआर में अगर आपको पता होगा प्राइमर्स होते हैं, वो प्राइमर जाके वहाँ पे बाइंड करते हैं दोनों स्ट्रैंड पे, इसको एनीलिंग बोलते हैं। इसका भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जब आपका डीनेचुरेशन हो गया, एनीलिंग हो गया, उसके बाद आता है डीएनए सिंथेसिस करना, जो आपका प्रोसेस है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन करेंगे उसके बाद हमें नया स्ट्रैंड डीएनए का मिल जाएगा लास्ट में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डीनेचुरेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, एक पीसीआर है, पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, जिसको आरटीपीसीआर आप बोलेंगे, कह रहा है क्या यूज़ करता है? डीएनए एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे डीएनए का यूज़ किया जाता है टेम्पलेट के फॉर्म में और उससे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं, या आरएनए को हम टेम्पलेट की तरीके से यूज़ करते हैं उससे डीएनए बनाते हैं, या मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट की तरीके से यूज़ करते हैं उससे हम सीडीएनए बनाते हैं? तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट को, जिससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड, जिसको हम सी डीएनए बोलते हैं, वो बनता है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, मैसेंजर आरएनए एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और सी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए वुड माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो, अगर आप देखेंगे डीएनए जो होता है आपका, जो फॉस्फेट बैकबोन होता है, उसके वजह से वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज होने से जब वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव करेगा, तो कैथोड, आपको पता है कैथोड होता है आपका नेगेटिव चार्ज और एनोड होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो होता है डीएनए माइग्रेट करेगा किधर की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव का मतलब एनोड। पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कैथोड, यहाँ पे लिखा है कैथोड, जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन एनोड यहाँ पे लिखा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पर ये यहाँ पे गलत है ये दोनों ऑप्शन। सी पे आते हैं, तो लिखा है कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, पर डीएनए, मैंने जैसे आपको बोला डीएनए मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो होता है आपका एनोड, पर ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबो। यहाँ पे सी मैंने लिखा है, पर उससे कंफ्यूज मत होइए, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डी ही होगा, नन ऑफ द अबो। डी ने एक्चुअली कहाँ पे मूव करेगा? एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज फॉर डीएनए सेपरेशन, इस कह रहा है हम डीएनए सेपरेशन के लिए सबसे कॉमन टाइप का जो जेल है क्या यूज करते हैं, एगार, एगरोज और पेज या ऑल ऑफ द अबव। तो जो डीएनए सेपरेशन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज जेल है वो है आपका एगारोज। एगारोज हम यूजली जो है यूज करते हैं डीएनए सेपरेशन के लिए। वही जो पेज है आपका, पेज हम यूजली जो होता है यूज करते हैं प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपने नाम सुना होगा, जो टैंडम रिपीट्स होते हैं हमारे डीएनए में उसके पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हम जो है डिफरेंसेस देख पाते हैं या सिमिलरिटी देख पाते हैं किसी के डीएनए में। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डेवलपमेंट हुआ था इसका क्रेडिट जाता है आपके एलेक जेफरी को। ये क्या थे, एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया जो आजकल फॉरेंसिक साइंस में बहुत यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए यूजिंग मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट। ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए रिपीट हो रहा है, ये पूछ रहा है मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट का यूज करके जो हम डीएनए बनाते हैं इनमें से किस एंजाइम का यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक बार ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन। तो द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड कॉल्ड cDNA इज अ प्रोसेस नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ, फिर से आ गया वही मैंने बोला ब्लॉटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है इससे हम क्या करते हैं। अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न क्या होता है आरएनए के लिए, साउदर्न डीएनए के लिए, ईस्टर्न क्या होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए, वेस्टर्न होता है प्रोटीन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ सैंपल। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल टू डिटेक्ट मैसेंजर आरएनए इन सैंपल। अब कह रहा है आपको मैसेंजर आरएनए को अगर डिटेक्ट करना है किसी सैंपल में तो आप कौन सा ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करेंगे। तो मैसेंजर आरएनए क्या है आपका, एक आरएनए है और आरएनए के मैंने आपको बताया आरएनए के लिए हम नदर ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। ओके, 46 पे आते हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कह रहा है जो एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी है हम किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी है हम वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, और वैक्सीन्स क्या होती हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं प्रोटीन्स ऑफ अदर एनिमल्स विच कन्फर्म इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर वायरस। तो वायरस के लिए हम वैक्सीन्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉल्ड, कह रहा है अगर हम डिग्रेड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट को करना है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, तो ये जो है प्रोसेस ये क्या कहलाता है, माइक्रो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन, नैनो रिमेडिएशन या ऑल द अबव। तो आप देखेंगे जो हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के डिग्रेडेशन के लिए वो कहलाता है आपका बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉयज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम सॉइल वाटर एंड अदर एनवायरमेंट। बायो रिमेडिएशन इज यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स और कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर टू। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड सुपर बग, किसे हम बोलते हैं जो क्लीन करता है ऑयल स्पिल्स को जहाँ पे ऑयल वॉयल का कंटामिनेशन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आप देखेंगे स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये जो एक्चुअली इसको सुपर बग हम क्यों बोलते हैं, सुपर बग हम उन्हें बोलते हैं जो कॉमनली जो है रेसिस्टेंट जिनके अंदर पैदा हो जाता है एंटीबायोटिक के लिए उनको हम सुपर बग बोलते हैं। और वैसे आप अगर आप देखेंगे तो 3-4 बैक्टीरिया थे जिनका हम बहुत यूज़ करते थे और जो ऑयल स्पिल का कंटामिनेशन हो जाता है उसके लिए, पर एक आपके आते हैं यहाँ पे प्रोफेसर चक्रवर्ती, उन्होंने डिस्कवर किया जेनेटिक क्रॉस लिंकिंग का जो क्या करता है, और ये जो रेसिस्टेंट होता है ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकी ऑयल डिग्रेड करने की ये उनके प्लाज्मिड में था। इन्होंने क्या किया 3-4 बैक्टीरिया के जीनोम से वो जो जीन्स थे उनको निकाले और उससे उन्होंने एक स्टेबल बैक्टीरियल स्पीसीज बनाया जिसको आप स्यूडोमोनास प्यूटिडा बोलते हैं। ये कैपेबल है कंज्यूम करने के लिए ऑयल,
वन आर टू ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर। तो ये एक या दो ज़्यादा टाइम फास्ट ये जो है ऑयल कंज्यूम करता है। ठीक, तो स्यूडोमोनास पिटूटरी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज इंजीनियर प्लाज्मिक वेक्टर इज, कह रहा है सबसे ज़्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज इंजीनियर्ड प्लाज्मिक वेक्टर कौन सा है। तो ये सारे यहाँ पे इंजीनियर्ड प्लाज्मिक वेक्टर ही हैं, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पे BR322 इसका यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, द वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेजेस कार्ड, कह रहा है अगर हम यूज जो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेज का यूज़ करके, ये क्या कहलाता है, कंजुगेशन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका आता है एक्चुअली ट्रांसडक्शन के अंतर्गत। जो नॉर्मल ट्रांसडक्शन आपने देखा होगा वो का क्या होता है, बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है, वो अपना डीएनए उसमें डालता है, डीएनए जो है जाके अगर लिटिक करना होता है तो लिटिक करता है, लेकिन कभी कभी लाइसोजेनिक करता है, और लाइसोजेनिक में वो प्रोफेज बन के रहता है। कभी कभी जब उससे निकलता है तो उसके कुछ जीन लेके चला आता है, कुछ जीन वो जब सेकेंड बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उसके जीनोम में जाके जोड़ देता है। तो ये एक तरह का जीन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, जो हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं बैक्टीरियोफेज उससे होता है, तो ये ट्रांसडक्शन के अंतर्गत आता है। कंजुगेशन में अगर हम बात कर लें तो ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया होता है। ट्रांसफेक्शन जो है ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लिक एसिड किसी यूकैरियोटिक सेल में नॉन वायरल मेथड से। ओके, ट्रांसडक्शन तो मैंने आपको बोला ही, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। मतलब जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपने इन्वायरमेंट से अपने अंदर ले लेता है, ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही हुआ। 51 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, कह रहा है इनमें से कौन सा म्यूटेशन, वेरिएशन, लिंकेज और क्लोनिंग मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है। तो आप देखेंगे जो आपका लिंकेज है, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनमें से लिंकेज जो था उनको नहीं पता था, और लिंकेज ही की वजह से जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने बताया था ये उसी का एक्सेप्शन है। लिंकेज जो है इसमें दो जीन एक ही साथ रहते हैं और उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, द क्रॉसिंग ऑफ एफ वन जनरेशन टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटिस क्लास, जब हम एफ वन जनरेशन के एफ वन जनरेशन के किसी मेंबर को क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो ये क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, एफ वन क्रॉस या ऑल द अबो। करेक्ट ऑप्शन है आपका टेस्ट क्रॉस, लेकिन आप ये भी समझिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, जो आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं वो एक टाइप का बैक क्रॉस ही है यहाँ पे। तो लेकिन हम जाएंगे यहाँ पे किसके साथ, टेस्ट क्रॉस के साथ। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, एफ वन जनरेशन के जो मेंबर होते हैं जिन्हें हमें नहीं पता होता है कि वो होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस हैं, तो हम जब उनका वो कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तब हमें वो पता चल जाता है, और ये एक टाइप का आप कह लीजिए बैक क्रॉस ही है। 53 पे आते हैं, अ क्रॉस बिटवीन टू वाइट फ्लावर वेराइटीज ऑफ स्वीट पी, कह रहा है जो दो वाइट फ्लावर के वेराइटीज थी स्वीट पी का उसको जब हमने क्रॉस कराया तो हमें पर्पल फ्लावर के प्लांट मिले, ये क्यों होता है, कोडोमिनेंट की वजह से, इपिस्टेसिस की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की वजह से या सप्लीमेंट्री जीन्स की वजह से। तो ये आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है पूरा, देयर आर दोज नॉन एलिलिक जीन्स विच इंडिपेंडेंटली शो अ सिमिलर इफेक्ट बट प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन अ डोमिनेंट फॉर्म, कह रहा है ये जो जैसे एलील है यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट रहते हैं तो एक दूसरा ट्रेट दिखाते हैं, जब साथ में आते हैं तो डोमिनेंट फॉर्म वाला दिखाते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन वर फर्स्ट स्टडीड बाई बेटसन एंड पुनेट, इसको सबसे पहले बेटसन एंड पुनेट ने 1906 में जो है स्वीट पी ये फ्लावर कलर जो है जो होता है इसका नाम साइंटिफिक है लेथायरस ओडोरेटस, इसके अंदर ही उन्होंने देखा था। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, दो वाइट फ्लावर के स्ट्रेन को उन्होंने क्रॉस कराया जिसका जीनोटाइप ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीट पी के, और उनको पर्पल फ्लावर मिले एफ वन जनरेशन में। ओके, क्लियरली बोथ द पेरेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ जीन। अब इसमें इसलिए यहाँ पे है कि जो ये पर्पल कलर का फैक्टर आया इसमें दोनों पेरेंट्स से आया होगा फैक्टर, और जब उन्होंने एफ वन जनरेशन का वो कराया सेल्फिंग कराया तो एफ टू जनरेशन में 9:7 का रेशियो मिला, जो एक्चुअली डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आप मेंडल का पढ़ते हैं 9:3:3:1 का, उसका एक मॉडिफिकेशन ही है।
अब यही जो अपीरेंस है पर्पल फ्लावर का, 16 में से 9 जो मेंबर हैं उनमें, इसको हम दो, उन्होंने पता लगाया कि ये दो डोमिनेंट जीन से होता है, सी एन पी। जब दोनों जो होता है एब्सेंट होते हैं तो पिगमेंट जो होता है वो अपीयर नहीं होता है। जैसा आप देख रहे हैं, जो फ्लावर की वैरायटी था, जो वाइट फ्लावर था उन्होंने जो लिया था उसमें यही था कि दोनों में से एक जो था वो रिसेसिव था, लेकिन जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो जहाँ जहाँ पे दोनों थे, दोनों के डोमिनेंट फॉर्म, उन्होंने पर्पल कलर के फ्लावर दिए थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स 54 पे आते हैं। हार्मफुल म्यूटेशंस डू नॉट गेट इलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पूल बिकॉज, अब कह रहा है जो हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं, देखिए आपको पता होगा म्यूटेशंस होते हैं, कुछ कुछ हार्मफुल म्यूटेशन भी होते हैं जिनमें डेथ हो जाती है, लेकिन कह रहा है ये हमारे जीन पूल से जाते क्यों नहीं है, ये हमारे जीन पूल में क्यों रहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, क्योंकि जो हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं जब वो रिसेसिव रहते हैं और वो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल में एक कैरियर की तरह, हेटरोजाइगस जो इंडिविजुअल होता है वो एक कैरियर की तरीके से एक्ट करता है, तो जो हार्मफुल म्यूटेशन होता है वो करियर की वजह से हमारे जीन पूल में बना हुआ है। जब वो दोनों होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस रिसेसिव, तब ऐसा जो होता है इंडिविजुअल वो इफेक्टेड होता है और वो पॉपुलेशन से जा सकता है, बाहर हो सकता है उसका डेथ होके, लेकिन वो बना इसीलिए रहता है क्योंकि जो हमारे जीन पूल में हेटरोजाइगोट्स हैं वहाँ पे वो रिसेसिव फॉर्म में बना हुआ रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। जीन विच इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इन अदर जीन्स, कह रहा है ऐसा जीन कौन सा है इनमें से जो दूसरा जीन्स का म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, उसको क्या बोले, म्यूटाजन, म्यूटेटर जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन या हाइपोस्टेटिक जीन। तो ऐसे जीन्स जो दूसरे जीन की म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं उनको हम म्यूटेटर जीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। इन ऑर्डर टू रिमेन लिंक द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स शुड नॉट इंक्रीज बिटवीन, कह रहा है कि लिंक लिंक लिंकेज जो है आपका बना रहने के लिए कितना मैप यूनिट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, 10, 20, 40 या 50। तो जब आप रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी वगैरह पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आप, आपको कभी भी जो वैल्यू है वो 50 मैप यूनिट के आगे नहीं मिलेगी, क्योंकि 50 मैप यूनिट से ज़्यादा अगर मिलता है तो ये आप पता चलता है कि जीन का लिंकिंग नहीं है और जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोजोम पे रहते हैं। तो अगर आपको एक ही क्रोमोजोम पे बने रहना है तो आपको जो डिस्टेंस है 50 मैप यूनिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 57 पे आते हैं। जीन शीयर्स किसको बोलते हैं, जो जीन को कट करते हो ऐसा, पर एक्चुअली ये टर्म अगर आप देखेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। जीन शीयर्स एक्चुअली साइंटिस्ट जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने डेवलप किया है, ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये जीन शीयर्स जो मैसेंजर आरएनए को कट करते हैं। तो अगर आप शीयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एंड न्यूक्लीजेस या एक्सो न्यूक्लीजेस आपके मन में आएगा, पर एक्चुअली अगर आप जीन शीयर्स के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये अभी भी रिसेंटली डेवलप हुआ है और ये मैसेंजर आरएनए को कट करते हैं, ये एंड न्यूक्लीजेस या एक्सो न्यूक्लीजेस नहीं है। 58 पे आते हैं। रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टर्म राइट, कह रहा है ऐसा जेनेटिक मटेरियल का यूनिट जो रेगुलेटेड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर जीन, ओकाजाकी सेगमेंट, ऑपरेटर जीन या ऑपेरॉन। तो देखिए रेगुलेटर, रेगुलेटेड यूनिट के बारे में पूछा है, यहाँ पे जीन के बारे में नहीं पूछा है, तो ना तो वो रेगुलेटर जीन है या ना तो ऑपरेटर है, ये तो खुद ही रेगुलेटर है। रेगुलेटेड यूनिट, पूरा का पूरा यूनिट जो रेगुलेटेड रहता है उस पूरे यूनिट को हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन। आपने ये बैक्टीरिया में पढ़ा होगा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। 59 पे आते हैं। सिस्ट्रॉन बोलता है किसे बोलते हैं, नॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, नॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ आरएनए या नन ऑफ द अबव। सिस्ट्रॉन आप पढ़ेंगे, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज इक्विवेलेंट टू अ जीन एंड दैट स्पेसिफाइज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट सच एज प्रोटीन और एंजाइम। अभी एक्चुअली फंक्शनल यूनिट है डीएनए के, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। द टर्म जीन वॉज कॉइन बाई, कह रहा है जो टर्म है आपका जीन वो किसने कॉइन किया था। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू जो आपके जो हांसन है ये दानिश बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने ही ये जीन का जो वर्ड है ये इन्होंने टर्म जो है कॉइन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन इज बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय, कह रहा है स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा होगा, ट्रांजेक्शन तो होता ही है, एक नॉर्मल होता है एक स्पेशलाइज होता है, कह रहा है किससे होता है, टी फोर फेजेस से, लिटिक फेजेस से या लाइसोजेनिक फेजेस से।
तो ये जो स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन होता है, एक तो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें बैक्टीरियोफाज जाएगा और अपनी प्रोजनी बढ़ाएगा, लिसिस करके चला आता है। लेकिन जो स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज जाता है वो अपना जो वहाँ पे डीएनए है वो अटैच करता है उस बैक्टीरिया के डीएनए को, इसीलिए इसको स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन बोलते हैं हम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, स्पेशलाइज ट्रांजेक्शन जो होता है आपका वो क्या होता है, लाइसोजेनिक जो आपका बैक्टीरिया होता है उससे आपका होता है, लाइसोजेनिक फेजेस से। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। द अरेंजमेंट इन विच फ्लैजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल राउंड द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज, कह रहा है ऐसा अरेंजमेंट फ्लैजिला का कौन सा होता है जहाँ पे बैक्टीरियल सरफेस पे, पूरे सरफेस पे फ्लैजिला फैला हुआ रहता है। पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस और लोफोट्राइकस। तो आप पेरिट्राइकस पढ़ेंगे, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे मल्टीपल फ्लैजिला रहता है और वो सेल पूरे बॉडी सरफेस से कहीं से भी निकलते हैं वो, ओके मतलब पूरे पे रहते हैं लगभग। 63 पे आते हैं। काउंटर स्टेन जो होता है ग्राम स्टेनिंग में हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो ये सारा प्रोसीजर है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पे लिखा है। पहला तो स्टेन है, आप क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करते हैं, फिर अब उसमें मतलब प्रोसेस है, आप देखेंगे क्रिस्टल वायलेट का हम यूज़ करते हैं 30 सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद हम आयोडीन सोल्यूशन से उसको ट्रीट करते हैं, फिर उसको वाटर और अल्कोहल से धुलते हैं, फिर हम सेफ्रिनिन डालते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वायलेट का जो स्टेन है वो रिटेन करके रखते हैं, वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है उनमें जो होता है ये सेफ्रिन वाला स्टेन चढ़ता है, इसीलिए वो पिंक कलर के दिखते हैं और ग्राम पॉजिटिव वाले आपको पर्पल कलर के दिखेंगे। तो काउंटर स्टेन क्या है आपका, मतलब जो स्टेन के बाद स्टेन किया जाए। तो क्रिस्टल वायलेट आपका प्राइमरी स्टेन है, काउंटर स्टेन हम सेफ्रिन का यूज करते हैं। 64 पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट वायरस रिप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली इन यूकेरियोटिक सेल, तो स्मॉलेस्ट वायरस है आपका जो यूकेरियोटिक सेल में ऑटोनोमसली रिप्लिकेट कर सकता है, वो है आपका सरको वायरस। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन इज कॉल्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। एक्चुअली प्रायोन का डेफिनेशन ही है, प्रायोन्स आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन कोट। एक्चुअली यहाँ पे ये गलत है, सॉरी प्रायोन नहीं होगा, ये वायरॉइड होगा। वायरॉइड जो होता है, वायरॉइड जो होता है वो आरएनए पार्टिकल होता है बिना प्रोटीन कोट का। ओके तो इसका एक्सप्रेशन और जो करेक्ट आंसर है मैं चेंज कर दूंगा आगे, पर अभी आप समझिए इन्फेक्शियस पार्टिकल जो आपके प्रायोन होते हैं ये प्रोटीन ही होते हैं, पूरा केवल प्रोटीन होते हैं, और आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोट इज कॉल्ड वायरॉइड। ओके 66 पे आते हैं। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल फंक्शन फर्मेंटेशन, कह रहा है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से सबसे पहला जो है ऑर्गेनिक एसिड कौन सा था, निकला था लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और एक्सॉर्बिक एसिड। तो जो सबसे पहला है आपका माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड वो आपका क्या था, लैक्टिक एसिड। 67 एनाबीना जो होता है एक नाइट्रोजन फिक्सर है, आपको पता है, कह रहा है ये किसके रूट पॉकेट में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया है, रूट पॉकेट में नहीं होता, लीफ के पॉकेट्स में होता है एजोला के। ओके क्योंकि यहाँ पे एजोला के साथ एनाबीना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के रखता है। ओके 68 पे आते हैं। द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू चेंज देयर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म फ्रीक्वेंटली इज, कह रहा है जो बैक्टीरिया अपना बार बार मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म चेंज कर लेता है उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लाइसोजेनी, प्लियोमॉर्फिज्म, अल्ट्रोफिज्म या नन ऑफ द अबव। तो ये जो बैक्टीरिया की एबिलिटी है इसको हम प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पूछ रहा है किससे बना होता है। तो बहुत पॉपुलर, जब भी आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो सेल वॉल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है जिसे कॉमनली आप म्यूरिन बोलते हैं, ये एक पॉलीमर है जो शुगर और एमिनो एसिड का मिलके बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रिवर्स ईस्ट, ब्रिवर्स ईस्ट किसे बोलते हैं? तो आप देखेंगे आपका जो एक फंगस है आपका ईस्ट, कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसे हम कॉमनली ब्रीवर्स ईस्ट या बेकर ईस्ट बोलते हैं। 71 एगार एगार पूछ रहा है किससे मिलता है,
तो 11-11 आप देखेंगे रोडोफाइसी के मेंबर से मिलता है, जैसे आपका जिलिडियम हो गया और ग्रेसिलेरिया। ऑप्शन में यहाँ पे जिलिडियम है तो आप जिलिडियम के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72, कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉसेस मेड अप ऑफ, पूछ रहा है मॉसेस में जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है किससे बना होता है, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा। तो जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है आपको पता है मॉसेस में जो होता है, ना तो जाइलम पाया जाता है ना तो फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम लाइक वहाँ पे टिश्यू पाया जाता है जिसे हम हाइड्रॉइड बोलते हैं, और फ्लोएम लाइक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लेप्टॉइड बोलते हैं, पर ये एक्चुअली पैरेन्काइमेटस नेचर के ही होते हैं और पैरेन्काइमा के ही बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सर्सिनेट वर्नेशन किस पे मिलता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे वेनेशन नहीं है, वर्नेशन है। तो सर्सिनेट वर्नेशन, सर्सिनेट वर्नेशन इज द मैनर, ये क्या है, वर्नेशन किसको बोलते हैं, मैनर इन विच अ लीफ फ्रॉन्ड इमर्जेस। तो फर्न्स में आपको सर्सिनेट वर्नेशन मिलता है। ओके 74, फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, कह रहा जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म का वो एंजियोस्पर्म में से किस सेंस में डिफर होता है, कि जिम्नोस्पर्म में पैरेन्काइमा होता है तो पैरेन्काइमा तो दोनों में होता है, सीव ट्यूब्स दोनों में तो सीव ट्यूब आपको दोनों में मिलेगा, हैविंग नो कंपेनियंस, यही कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म को अलग बनाता है एंजियोस्पर्म से, कि वहां पे आपको एंजियोस्पर्म में आपको कंपेनियन सेल मिलेंगे पर जिम्नोस्पर्म में आपको कंपेनियन सेल नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75, प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड, ऐसे फ्लावर जो अपने लाइफ, ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं फिर सीड सेट करते हैं और उनका डेथ हो जाता है, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक बोलते हैं। 76 कह रहा है द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज, मैंगो का कौन सा पोर्शन है जो खाने योग्य होता है, एपिकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प या इंडोकार्प। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रूट होता है ये एक्चुअली क्या होता है, मेच्योर ओवरी होते हैं, और फ्रेशी फ्रूट जो होते हैं, देखिए फ्रेशी फ्रूट जो होते हैं उनका लेयर जो होता है एक्चुअली जो ओवरी का वॉल होता है यही आपका क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, बाकी का अंदर का पोर्शन तो सीड बनाएगा ओव्यूल, जो ओवरी वॉल है ये आपका जो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं ये यही होता है, और जो फ्लेशी फ्रूट होते हैं इनका आउटर लेयर, एकदम का लेयर, आउटर लेयर पेरिकार्प कहलाता है, जो ओवरी वॉल से एक्चुअली बनता है। अब क्या कहता है कि जो फ्लेशी फ्रूट होते हैं इनमें पेरिकार्प भी, जो ओवरी वॉल है यही पेरिकार्प बनाता है, और पेरिकार्प भी है फ्लेशी फ्रूट में तीन टाइप का, एक एपिकार्प जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, फिर मीजोकार्प जो मिडिल लेयर होता है, और एक इंडोकार्प होता है जो इनर लेयर होता है जो सीड को सराउंड किए हुए रहता है। तो मैंगो का आप जो छिलका खाते हैं देखते हैं वो क्या है आपका, एपिकार्प है, जो आप फ्लेशी पोर्शन खाते हैं वो मीजोकार्प है, और अंदर एक लेयर होता है हार्ड वो क्या होता है, इंडोकार्प होता है। तो जो फ्लेशी पार्ट आप खा रहे हैं वो क्या है आपका, मीजोकार्प है। अब नारियल की बात कर लेते हैं 77 में, द एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट, कोकोनट का कौन सा हम पोर्शन खाते हैं, सीड कोट खाते हैं, पेरिकार्प, मीजोकार्प या इंडोकार्प, इंडोस्पर्म। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि ओवरी का वॉल जो होता है उसको पेरिकार्प बोलते हैं फ्रूट में, अब वो भी यहाँ पे तीन टाइप का होता है, लेकिन जो एडिबल पोर्शन है कोकोनट का वो क्या होता है आपका, वो एक्चुअली इंडोस्पर्म होता है, ये जो इनसाइड वॉल होता है इंडोकार्प का वो वहां पे चिपका हुआ रहता है इंडोस्पर्म। ओके उसे वही हम खाते हैं। 78 पे आते हैं, कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड कोट होता है वो किससे बनता है, सीड कोट आप, सीड क्या हुआ आपका, ओव्यूल, ओव्यूल आगे चल के सीड बनता है, तो सीड कोट कहाँ से आया, जो सीड कोट जो होता है वो डेवलप करता है ओव्यूल में, आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे इंटेगुमेंट, तो यही इंटेगुमेंट होता है जो इस बिफोर फर्टिलाइजेशन आप इंटेगुमेंट बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे जब सीड बनता है तो यही आपका लेयर्स बनाते हैं सीड कोट का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। 79 पे आते हैं, पॉलिनेशन विच अकर्स इन अ क्लोज फ्लावर, कह रहा है जब पॉलिनेशन किसी क्लोज फ्लावर में होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एलोगैमी, क्लिस्टोगैमी, प्रोटोगाइनी या नन ऑफ द अबो। बहुत आसान है, क्लिस्टोगैमी बोलते हैं हम पॉलिनेशन जब क्लोज फ्लावर में हो, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पीनट्स में, पीज में, पैंसीज में या ग्रासेस फैमिली में आपको मोस्टली मिलता है। हाउ एवर कह रहा है लार्जेस्ट जीनस ऑफ क्लिस्टोगेमस प्लांट इज वायोला, वायोला जो जीनस है ये लार्जेस्ट जीनस है क्लिस्टोगेमस प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, कह रहा है जो अपटेक होता है प्लांट्स में मिनरल्स का जैसे जिंक,
मैग्नीशियम आयरन हो गया, किससे होता है ये? एच प्लस को ट्रांसपोर्टर से, एबीसी ट्रांसपोर्टर से, एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर से, या जिप ट्रांसपोर्टर से? तो जो अपटेक होता है ये मिनरल्स वगैरह का, इसके लिए उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्हें हम जिप ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन जाइलम सैप इज इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है नाइट्रोजन किस फॉर्म में जाइलम सैप में ट्रांसपोर्ट होता है, अमोनिया के फॉर्म में, ग्लूटामीन, अलंटोइन या ग्लूटामेट? तो आप देखेंगे जो प्राइमरी मेजर मोड है नाइट्रोजन जिस फॉर्म में जाइलम सैप में ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका ग्लूटामीन है। 82, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इस, कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? तो वीट जो है, मैंने आपको बोला ग्रासेस में, और ग्रासेस में वीट जो है वो टिपिकल एग्जाम्पल है सेल्फ पॉलिनेशन का। 83, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, अब आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन अलग अलग सबका नाम होता है, जैसे एंटेमोफिली जब इंसेक्ट का पॉलिनेशन होता है, चींटियों से पॉलिनेशन होता है तो मेलाकोफिली, वैसे ही ऑर्निथोफिली बर्ड्स को बोलते हैं, और बैट जो पॉलिनेशन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कायरोप्टेरोफिली। 84, एन एम्ब्रियो समटाइम में डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक अदर देन इट इज कॉल्ड, अब कह रहा है कभी कभी क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक के किसी भी सेल से अदर देन एक को छोड़ के, किसी भी सिनर्जिड, एंटीपोडल या किसी भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी या एपोस्पोरी? तो एपोगैमी और एपोस्पोरी तो अलग है, एपोस्पोरी क्या है कि एपोस्पोरी में क्या होता है, अब स्पोरोफाइट से जब गेमेटोफाइट बनना होता है तो वहां पे मियोसिस होता है, उसके बाद हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स बनते हैं, लेकिन एपोस्पोर में क्या होता है कभी कभी स्पोर बनता ही नहीं है और वही डिप्लॉइड सेल से ही गेमेटोफाइट्स बन जाते हैं, ऐसे गेमेटोफाइट आपको डिप्लॉइड मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात कर लें एपोगैमी की, तो एपोगैमी क्या है, वहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन जो होता है कि ठीक है गैमीट बनेगा, गैमीट फ्यूज होगा, उससे फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा किसमें, उसमें स्पोरोफाइट में डेवलप करेगा। तो एपोगैमी में क्या होता है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट डायरेक्ट किसी भी सेल से, हैप्लॉइड सेल से हो जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको जो स्पोरोफाइट मिलेगा वो हैप्लॉइड मिलेगा, ये जनरली आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा। अब पार्थेनोकार्पी की अगर बात कर लें तो यही है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक का या एम्ब्रियो का बिना वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुए, तो ये पार्थेनोकार्पी है। वहीं पार्थेनोजेनेसिस की बात कर लें तो ये एनिमल्स में होता है जहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है वो नया इंडिविजुअल बना लेता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, पार्थेनोकार्पी। अब 85 पे आते हैं, वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एक्सेप्ट, वेसल्स कह रहा है किसमें नहीं होता, वेसल्स एक्चुअली एडवांस फीचर है, आपको ये एंजियोस्पर्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, एंजियोस्पर्म में आपका रोज और मैंगो आता है, पर ये जिम्नोस्पर्म में वेसल्स कॉमनली नहीं पाए जाते हैं। पर आप देखेंगे जो नीटम है यहाँ पे, ये भी एक एडवांस मेंबर है जिम्नोस्पर्म में, इसमें आपको वेसल्स देखने को मिलेंगे। तो तीन, रोज, मैंगो, नीटम में तो वेसल्स होते हैं, लेकिन जो पाइनस है, पाइनस भी जिम्नोस्पर्म में, लेकिन इसमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। 86, पीयर्स ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है जो आप मोती देखते हैं कॉमर्शियल वैल्यू का, ये किससे, किस जेनरा से निकलता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, पिंकटाडा, पिंकटाडा जो आपका जीनस है इससे हम पीयर्स ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू पाते हैं, मिलता है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड ब्लड फ्लूक ऑफ मैन, ब्लड फ्लूक ऑफ मैन हम किसे बोलते हैं, सिस्टोमा जो जीनस है आपका इसको हम बोलते हैं। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, कह रहा है पहला पहला ही बॉडी सेगमेंट होता है अर्थवर्म को, हम उसे क्या बोलते हैं, तो इसको प्रोटोस्टोमियम बोला जाता है। 89, लंग बुक्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, लंग बुक कह रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये जनरली आपको मिलेगा स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स में जो आपका बिलोंग करते हैं कहाँ से, अरैकनिड से। अब अरिस्टोटल्स लैंटर्न इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अरिस्टोटल लैंटर्न कह रहा है ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो सी अर्चिन्स में आप देखेंगे, क्लास इकोनोइडा कंसिस्ट ऑफ सी अर्चिन्स विच आर टिपिकली स्पाइनली ग्लोबुलर एनिमल्स, इट इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ अरिस्टोटल्स लैंटर्न इन माउथ, अरिस्टोटल लैंटर्न इज कॉम्प्लेक्स डेंटल अपरेटस है ये जो सी अर्चिन्स में होता है। इंक ग्लैंड की बात कर लेते हैं किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये आपको सीपिया में मिलेगा, सीपिया कंटेन अ लार्ज इंक ग्लैंड विच ओपन्स इनटू द रेक्टम, द ग्लैंड सेक्रेट्स अ ब्राउन और ब्लैक फ्लूइड विच इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर, व्हेन इट इज अटैक्ड बाय एन एनिमल इट रिलीजेस इंक थ्रू द एनस
एंड द रिजल्टिंग क्लाउड्स ऑफ ब्राउन और ब्लैंक वाटर कन्फ्यूजेस द एनिमल एंड हेल्प सीपिया इन रनिंग अवे। 92, एक्सोलोटल लार्वा जो होता है उसके पास क्या होता है? एक्सटर्नल गिल्स, कार्डल फिन, लैटरल कंबस्टेल। तो आप पढ़ेंगे एक्सोलोटल लार्वा के बारे में, इसको आप एक्चुअली लार्वा होता है एम्ब्लिस्टोमा टिग्रेनम का, टाइगर सेलेमेंडर का, जिसके पास सारी चीज़ें होती है, एक्सटर्नल गिल होता है, कॉडल फिन होता है, लैटरी कम्प्लेस टेल होता है। तो इसीलिए सारे ऑप्शन इसके सही है, हम जाएंगे डी के साथ में। द माउथ पार्ट ऑफ हनी बी यूज टू मोल्ड वैक्स एंड अदर पॉलिनीज। कह रहा है कि हनी बी के माउथ का पार्ट का वो कौन सा हिस्सा है जो वैक्स को मोल्ड करने में यूज़ होता है और पॉलन को एडियर करने में यूज़ होता है? तो वो आपका पोर्शन कौन सा है? लैब्रम। द माउथ पार्ट ऑफ हनी बी यूज टू मोल्ड वैक्स एंड एडियर पॉलिनीज, लैब्रम। 94, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एस्केरिस। कह रहा है एस्केरिस में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजाइक, होलोफिटिक, सैप्रोजोइक या सैप्रोफाइट्स? तो एक्चुअली आप देखेंगे जो न्यूट्रिशन होता है एस्केरिस में वो पैरासिटिज्म एक्चुअली दिखाता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पैरासिटिज्म है ही नहीं। तो हम जो है सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे होलोजोइक के साथ जाएंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे एक मेथड है न्यूट्रिशन का, जहाँ पे इंगेशन होता है कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, दैट में बी सॉलिड और लिक्विड। कोलेजन पूछ रहा है क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फाइबर्स प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो पहली बात तो कोलेजन प्रोटीन है। अब प्रोटीन्स भी आपको ग्लोबुलर प्रोटीन मिलते हैं, कुछ फाइबरस प्रोटीन मिलते हैं। तो कोलेजन क्या है आपका? ये फाइबरस प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में, जो फाइबरस नेचर का होता है। कहाँ पे मिलता है? बोन्स में, मसल्स में, स्किन में और टेंडन्स में हमें मिलता है। एमंग्स द फॉलोइंग्स हेवरेसियन कैनाल किसमें मिलता है? तो ये जो हेवरेसियस कैनाल है, ये इसका नाम रखा गया क्लॉप्टन हेवर्स के बाद में। ये फाइन चैनल्स होते हैं पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैमेलियन बोन, कंसिस्टिंग ऑफ कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑकेशनली लिम्फेटिक वेसल्स। हेवरसियन सिस्टम इज फाउंड इन लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल, जैसे कि इसमें ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है, वहाँ पे मिलेगा आपको। इफ पैंक्रियाज रिमूव्ड विद द फूड पार्ट विद विच फूड पार्ट विद गट अफेक्टेड। कह रहा है अगर हम पैंक्रियाज को रिमूव कर देते हैं तो कौन सा पार्ट होगा आपका जो अफेक्ट होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या ऑल ऑफ द अबव? तो अगर आप पैंक्रियाज को रिमूव कर देते हैं, आप अगर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में देखेंगे तो वो इन सारे के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप पैंक्रियाज को रिमूव कर देते हैं तो इन सारे जो पार्ट हैं आपके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे अफेक्टेड होते हैं। 98 पे आते हैं, पूछा है द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज, लाइफ स्पान कितना है आरबीसी का? तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं फॉर्म मेनली इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनते हैं, और ऐसा बिलीव है कि ये इनका एवरेज लाइफ स्पान जो होता है वो 120 दिन का होता है। ओपन वैस्कुलर बंडल सिस्टम किस में मिलता है? तो जो ओपन वैस्कुलर बंडल है आपको प्रॉन में मिलेगा। एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपॉड्स, ये क्या करता है? पंप करता है ब्लड को इनटू अ कैविटी कॉल्ड अ हीमोजिल, वेयर इट इज सराउंड द ऑर्गन एंड देन रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू ऑस्टिया। 100 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। कह रहा है यूरिक एसिड जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है किस में मिलता है? तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं बॉडी में वो टॉक्सिक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अमोनिया, विच मस्ट बी एक्सक्रेटेड, जिसको हमें निकालना ही होता है। तो जो मैमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, वो इसको यूरिया के फॉर्म में निकलते हैं। फाइव जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये इसको यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। तो ऑप्शन में हमारा बर्ड है, तो हम जाएंगे सी के साथ में। ये आपके पूरे क्वेश्चंस हो गए, जहाँ पे आपने देखा हर जगह से क्वेश्चन आए थे इधर उधर से। फिर भी हम एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए मैं जो है एक्चुअली बॉटनी मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं आपको जूलॉजी नहीं बता सकता हूँ, पर बॉटनी में कहाँ कहाँ से कितने टॉपिक आए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ एक ग्राफ से। जूलॉजी का मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये ग्राफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका ग्राफ बताता है कि इस क्वेश्चन पेपर में कहाँ कहाँ से सबसे कम, कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन थे, जिसमें जो मेन जूलॉजी से आया है वो आप अपने हिसाब से क्लासीफाई कर लीजिएगा जिस टॉपिक से वो बिलोंग करता होगा। 16 क्वेश्चन जूलॉजी से थे, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी में आप डिफरेंस नहीं बता सकते, सारी चीज़ें तो साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब दोनों में कॉमन है, केवल फिजियोलॉजी और टैक्सोनॉमी अलग है।
तो मेरे हिसाब से जो जूलॉजी है, मतलब जो डायरेक्ट यहाँ पे मेरे लिए जूलॉजी का था वो आप समझिएगा। बाकी आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे बायोटेक्नोलॉजी से, और 4-5 बार तो यहाँ पे ब्लॉटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से 10, फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स से 6-6, एम्ब्रियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से 5-5, एंजियोस्पर्म से 3, टेरिडोफाइट प्लांट फिजियोलॉजी से 2-2, बाकी आपका एल्गी से 1, फंजाई से 1, ब्रायोफाइट से 1, जिम्नोस्पर्म से 1, और साइटोलॉजी से केवल एक ही क्वेश्चन था। तो अगर बात करेंगे टॉप 5 के बारे में, तो टॉप 5 यहाँ पे बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एंजियोस्पर्म्स थे, एक्सक्लूडिंग जूलॉजी। जूलॉजी आप अपना ध्यान लीजिएगा। तो चलता हूँ मैं, ये था 2019 का क्वेश्चन पेपर। होप कि आपको सारी चीज़ें बस अच्छा लगा होगा, पसंद आई होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको आगे ये हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।